स्वामी जी सोनू बाबत के कहना है भाई, सोनू बहुत ही अच्छा लड़का है, गांव में पहले भी बहुत अच्छे कार्य करे था, वो धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा है, डेरे में बहुत काम कराने लग रहा है, गौ माता का भगत है शुरू से, पूरे गांव में भी उसने गौशाला का निर्माण किया था, एक शेड बनवाया था। अगर विदेश में जाने के बाद तो हवा लग जाए, ना 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 उसका कोई हवा ना, सा तो सिंपल है। एक सबसे बड़ी बात उस छोरे की है ना, तो उसने जाति पाति में भेदभाव कुछ भी। दूसरी बात एक क्यों है, अगर भाई हम पुनी पन्ने से, हम पन्नू पन्ने से, हम अपने पन्ने में विकास करेंगे, अपने पन्ने में पैव लगवाएंगे ना, उसने दोनों पन्ने के शमशाने, दो शमशाने हमारे गांव में चमका कर रख रखे हैं, प्याव है वो है, मतलब चारों तरफ बराबर, न्यू नहीं है कि भाई हम पन्नू है तो पन्नू हम ज्यादा वो होना चाहिए मेरा। सारे भैया ना भाई मेरी, राम राम, मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम बिचपड़ी गांव में हूँ, अरे यह देखो पीड़ित गौ हॉस्पिटल कूडल, काड़ू कूडल नंबर है, भेंट करता चौधरी आजाद सिंह पन्नू, चौधरी छतर सिंह पन्नू, बिचपड़ी। अब सोनू बाबा यूएसए ने भेंट की, अब कौन है आप मिलवा दा, दादा है हमारे, और इनके पोते ने वह गाड़ी गिफ्ट करी है। राम राम जी, राम राम जी, कड़ू भाई, राम राम, राम राम प्राता जी, राम राम। अच्छा यार जो गाड़ी मिली है बारे में के कहना चाहो, उस जो सबसे जानो थे सोनू बाबा जो नाम है, डेढ़ एक साल तक मेरी यूट्यूब सब रहा था, और वैसे भी मैं पहले भी आया हूँ कोई प्रोग्राम तो एक दो बरे, लेकिन सोनू एक नंबर को सोरो है, जिस तरह आड़ मेरा खातर भी नहीं, जिस तरह आड़ गाम राम का खातर भी, कदे को मंदिर की बात हुई, कोई स्कूल की बात हुई, तो आगे रहो बढ़िया धार्मिक सोरो। जब भी यूँ मान लो इतना सेवक साधु एक प्रवृत्ति का बालक है, सुबह तीन चार बजे उठ जाएगा, रात में 11 बजे के पहले कदे सोया नहीं, सुबह 3 बजे उठ लेना, सारे 10-11 मंदिर डेरे हैं गाँव में, काफी है, और एक डेरे में मंदिर में पूजा पाठ करनी, ज्योत बत्ती करनी, उसमें चाहे पुजारी साधु है चाहे नहीं है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेवारी बारू में निभाई, चाहे वो मामले ने देखा अपने सगे भाई की बरात में भी निगाह, सुबेरे मेरे पे नहीं आ जाऊंगा, हाँ जी सगे भाई की बरात में भी बैठा है, नवीन इसका ब्याह था वो नहीं गया, बोला बता हम जाओ, मैंने सुबेरे फिर मंदिर डेरे संभालने पड़े हैं। दानी का पोता दानी, दानी का पोता दानी है, या डरन देरन दे भी छोटी सी शुरुआत, दानी का पड़पोता छोटी सी शुरुआत करी थी, गाया गाय टीन बिछवाया, खोर बनवाई, उसमें पंखे लगवाए, मंदिर डेरा में गांव में 4-5 जगह है, वाटर कूलर गेलें, अपना आरओ सिस्टम बढ़िया, मतलब सारा आगे पावा है, दानपुन में बड़े शहर में बैठना, और आप ये देखो अमेरिका जो पहुंचा था वहाँ पे, फ्लाइट उतरी थी वहाँ भी पहुंच गए, सबसे पहले उसने मंदिर ढूंढा, हाँ पूजा पाठ करी, अपना टिक्का तिलक लगाया, वहाँ से शुरू करें। ये है भाई हमारे सोनू बाबा के पिताजी, भाजी राम राम, राम राम जी। एसिड एसिड की दवाई नहीं है भाई, आपका कब्ज और गैस चाहे कितनी पुरानी हो, चाहे 5 साल पुरानी हो, चाहे 50 साल पुरानी हो, आप एलोपैथी एलोपैथी करो, आयुर्वेदिक दवाई है, प्योर आयुर्वेदिक है भाई, प्योर जड़ी बूटी बना हुआ, कोई केमिकल का किसी भी तरह का एलोपैथी इसमें कोई इस्तेमाल नहीं। दवाई दिखाई एक बढ़िया, यह भाइयो है 500 ग्राम का डब्बा, च्यवनप्राश आधा किलो का, आधा किलो का, ओके ये है भाई वह दवाई। अच्छा सोनू बाबत के कहना है वो गांव में भी चुकर दे काम करे है, या गाड़ी भी दे दी, इलेक्शन उसने लड़ना नहीं, इलेक्शन लड़नी है करेगा, नहीं इलेक्शन लड़के करना क्या है, इलेक्शन लड़ भी लिया पहले, सरपंच बन लिए, उसने तो लड़ना नहीं ना, उसने उसको राजनीति इन चीजों से कुछ नहीं, सिर्फ सेवा भाव भाई साहब, सिर्फ सेवा, और यूं मान लो गौ सेवा, साधु सेवा, गाँव की सेवा, बेटिया का कितने भी कोई भी वो आगे पा रहे भाई साहब, उम्र थोड़ी है, विचार बहुत उच्च है भाई साहब। जनता जाने है जो ये बताएगी जो भाई। आज भी बराता मैं तो एक बार देखा करूं, हमारी डेली 2-4 बार वीडियो कॉलिंग हो जा है, वो है माथो ऊपर तिलक, वो है धार्मिक बात है, आज भी वक्त भी एक बार बाबा अचानक नाथ से मार बराबर में डेरे में, मतलब उसकी भी वीडियो देखी नहीं, बाबा अचानक नाथ से मार गा मैं खूब रेड मन सेवा करे, बाबा भी उसने जाना है, अगर विदेश में जाने के बाद तो हवा लग जाए, ना 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 उसका कोई हवा ना, सा तो सिंपल है। अच्छा के कहना चाहोगे जी सोनू बाबा से, जो उनका ध्यान भी गांव लगाओ, गांव की तरफ है, उड़ा शमशाने में देख लो सारे, उसने ऐसी सफाई करवा दी वहाँ से बैठे बैठे, हाँ प्याओ के कई नोटके लगवा दिए, प्याओ खतर है ये, वो तो गाँव में लगा हो इसका ज्यादा अपने पन्ने में पैव लगवाएंगे ना, उसने दोनों पन्ने के शमशाने, दो शमशाने हमारे गांव में चमका कर रख रखे हैं, प्याव है वो है, मतलब सर
आपने राघवेंद्रा क्लासेस का रिजल्ट क्या? सर देखो, रिजल्ट्स की अगर बात करें ना, तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बात कह सकता हूँ, सोनीपत में इस समय कोई अकेडमी, कोई संस्था रिजल्ट दे रही है तो राघवेंद्रा क्लासेस है। सबसे पहले मैं दीपक का नाम लूंगा, दीपक दहिया, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स, चारों तरफ बराबर। न्यू नहीं है कि भाई हम पन्नू है तो पन्नू हम ज्यादा वो होना चाहिए, मेरा रुझान होना चाहिए ना। और उसने तो गौ और साधु तो कितने का हो, पूरे इंडिया का हो या इंडिया से बाहर हो, सारे सेवा का बाहर हो छोरेगा। आप क्या कहना चाहोगे सोनू बाबत? क्या कहा जाइए सर, भाइयन के जीवन बात हमने कहा बात है। हाँ जी देखो भाई, सोनू का जो स्वभाव देखा मैंने गांव में, एक तो बैठे एक ठही है, नहीं तो जब बने पूछ दिया हुआ थे वे भी उड़े नुए कौन थे, दानी है भाई, दानी है चूगर दे काम करे है। बड़ी बात यह है उसने इलेक्शन नहीं लड़ना, अरे बोगला अमरीका जा लिया के कर, अमरीका जाने से पहले भी उसने काम करा। तो भाई साहब फाइनली यह हबरा तजरी, और या नहीं कि सोशल मीडिया पर उस भाई ने मारता ही कही हो, या मेरी खुद की एक आत्मा थी कि कम से कम उसके प्रति दो विचार रखा जाए। तो भाई धन्यवाद है सोनू भाई और इस घर परिवार को, सारो इनको परिवार कट्ठो हो भाई, धन्यवाद भाई। ये बाबा जी नहीं भाई, स्वामी जी आ गए यहाँ पे। यो आर्य ओम प्रकाश सर, ठीक है कालू स्वामी जी, प्रणाम। जय हो जय। स्वामी जी सोनू बाबत के कहना है? भाई सोनू बहुत ही अच्छा लड़का है, गांव में पहले भी बहुत अच्छे कार्य करे था, वो धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा है, डेरे में बहुत काम कराने लाग रहा है, गौ माता का भगत है शुरू से, पूरे गांव में भी उसने गौशाला का निर्माण किया था, एक जूस प्लस में डायबिटीज केयर चूर्ण प्लस में मीठी तुलसी का अरक, ये अरक है ओके। और ये चूना है जो कि फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ये 3 महीने रखते हैं और फिर नीम से इसको शुद्ध करके देते हैं और किसी से पैसा नहीं लेते। ये डायबिटिक केयर काढ़ा, ये टोटल 6 आइटम हम देते हैं शुगर की दवाई में। 1700 रुपए विद कोरियर चार्ज है, 1 महीने की दवा है, 40 दिन की दवा है, 40 दिन। एक सेट बनवाया था और उनको चारा भी रोज डाल लिया करता, और ये कालू है भगत गौ माता का, इससे भी जुड़े है, इसने भी धर्म का रास्ता दिखाया बहुत लोगों को जी। तो गौ माता की सेवा सबने करनी चाहिए भाई, हिंदू का धर्म है, कर्म है, गौ माता की सेवा करना, हम भी करें हैं, सब करें हैं, तो सब की यह नीति होनी चाहिए, अगर अपने देश के प्रति, भगवान के प्रति, गौ माता के प्रति और इस अपने समाज के प्रति लगे रहो, सेवा करते रहो। वो विदेश में बैठ के भी इतना सोचल ना ही रहता, हम आडरन धीरन दी कम तक कम ना दान रपिए ना, तो अपने एक रोटी शा नहीं लेके भी घेर सके हड़ चौक में, श्रद्धा होनी चाहिए सबके दिल में गौ माता के प्रति, या बहुत ही पूजनीय है और सब का भला करना ली जो है भाई महाराज सनातन धर्म, और जिसके प्रति लोगों की आस्था है और जिस पर सनातन टिका हुआ है, विदेश में भी जाकर लोग ये संस्कार नहीं भूलते, बड़ी गजब की संस्कार है, संस्कार कहूंगा मैं इस परिवार के, इस गांव के, जो उस भाई ने इतना कुछ करने लग रहा है और करा भी है। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन भाई गजब का काम उसने कर दिया, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।